ताज नगरी में बंदरों के आतंक से सभी वाकिफ हैं। इसके बावजूद यहाँ आप किसी बंदर को मार नहीं सकते। अगर आपने बंदर मारा तो आपको जेल भी हो सकती है। आगरा के एक युवक के आरटीआई के माध्यम से किए गए कुछ सवालों का जवाब देते हुए सरकार ने इसकी जानकारी दी है। सरकार ने आरटीआई के जवाब में एक सर्कुलर जारी कर बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलाने की बात भी कही है। मैंने ये पूछा था कि उत्तर प्रदेश में बंदरों से आम जनता को निजात दिलाने के लिए सरकार के द्वारा क्या उपाय किए हैं, तो इस संबंध में पहले तो किसी ने जवाब नहीं दिया। जब मैंने प्रथम अपील करी, राय सूचना आयोग में गया, तब उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने मेरे को जवाब भेजा है और उन्होंने एक सर्कुलर जारी करा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और बंदरों की एक गाइडलाइन उन्होंने निर्धारित की है। इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बंदरों को मारना अपराध की श्रेणी में है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि एक जो आम नागरिक है, यदि बंदर उस पर हमला करता है तो वो आम नागरिक अपनी रक्षा किस तरह से करेगा, और यदि वो सेल्फ डिफेंस में मान लीजिए बंदर को डंडे से मारता है, इस दौरान बंदर गिर जाता है या उसके लग जाती है, तो ये अपराध का मामला बनता है। अब ऐसी स्थिति में एक आम आदमी को कैसे निजात मिलेगी? दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का वन विभाग ये कहता है कि ये जो बंदर है वो वन्य जीव प्राणी है, यानी ये वन के अंतर्गत रहेगा। तो मेरा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से ये है कि फिर शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, सरकार इसके लिए क्या उपाय कर रही है? भारत देश के कानून में जहां इंसान पर हमला करने पर इंसान दूसरे इंसान की जान ले सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का कानून इससे कुछ अलग है। यहाँ अगर बंदर इंसान को मारे तो इंसान कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन इंसान अगर बंदर को मार देगा तो उसे जेल हो सकती है। ये पूरा मामला आरटीआई के जरिए प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रदेश सरकार के अनुसार बंदर वन्य जीव की श्रेणी में आता है और उसे मारना अपराध है, लेकिन यहाँ कई सवाल उठते हैं, क्योंकि बंदर वन्य जीव है तो शहर में क्या कर रहा है और उनकी संख्या क्या है और उनसे बचने के लिए इंसान के लिए क्या किया जा रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट की शिकायत के बाद जहां शासन ने इसके ऊपर एक सेकुलर जारी कर अपनी बात खत्म कर दी है, वहीं आज ताज नगरी आगरा आज भी बंदरों के आतंक से जूझ रहा है। देखना यह होगा क्या प्रदेश के वासियों को बंदरों के आतंक से निजात मिल पाएगी। आगरा से ईटीवी भारत के लिए मैं अविनाश जायसवाल।